खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत पेश है। अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में सेक्टर 9A कम्युनिटी सेंटर में नववर्ष 2018 के उपलक्ष में सोमवार सुबह 10 बजे सार्थक समिति द्वारा एक हवन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्र उच्चारण के साथ सभी बहादुरगढ़ व प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, इसी कामना के साथ यह हवन का आयोजन किया गया। इसमें सार्थक पब्लिक लाइब्रेरी में बहादुरगढ़ सार्थक सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसमें कार्यक्रम वार्ड 14 पार्षद जसवीर सैनी में शामिल हुए पहुंचे। बताया जो हवन कार्यक्रम हुआ नववर्ष आज हमारे वार्ड नंबर 14 में सार्थक सेवा समिति ने नववर्ष के उपलक्ष में यहाँ हवन का आयोजन किया, जिसमें हमारे को मौका मिला यहाँ पे हवन में अपनी आहुति डालने का। और मेरी तरफ से पूरे वार्डवासियों को और सार्थक सेवा समिति को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो इन्होंने सार्थक सेवा समिति ने मुझे यहाँ की कुछ समस्याएं बताई अपने कम्युनिटी सेंटर की, उनको जल्द से जल्द नगर परिषद पूरा करवाने का काम करेगी। आज इसके सार्थक समिति द्वारा भी सम्मानित किया गया। सम्मान तो ये इनका प्यार है, प्रेम है, जो इन्होंने सम्मान दिया उसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ एज ए पार्षद ना आकर मैं इस समिति का मेंबर भी हूँ। इस मेंबर के नाते मैं यहाँ इनके बीच में आज आया और एक पार्षद के नाते जो जिम्मेदारी इन्होंने मेरे को दी है उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। सर, ये जो एक समस्या बनी हुई है, यहाँ पर बिजली नहीं है। नहीं, बिजली टेम्परेरी तो हमने इसका समाधान कर दिया है, लेकिन अभी अधिकारियों से बात की है, कुछ बिल पेंडिंग बता रहे हैं, तो नगर परिषद ने इस बात के लिए चिट्ठी भी निकाली है, जल्दी उस बिल को भरवा के मीटर यहाँ पर लगवाया जाएगा।